हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून ऑल. हाउ आर यू? कैसे आप सब? गुड आफ्टरनून साहिल. आई एम गुड, आई एम वेरी गुड. मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. आप कैसे हो? जरा मुझको बताएं, यहाँ पे कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है. सेशन को बराबर से लाइक और शेयर करें, जिससे और भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़ पाएँ और सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा. तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं, चाहे हम बात करें सी एस एन नेट की, केट की या सी यू टी के लिए, जो भी हमारे बैचेस हैं उस पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है. ये केवल लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है. जैसे कि आप देख पा रहे हो, केवल एक मास तक ये जो 50% का ऑफ़र है ये वैलिड रहेगा. तो उससे पहले आप इनरोल हो जाइए, जो भी आप कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो, जो भी आप प्रिपरेशन ले रहे हो. ठीक है, तो यही मुझको बता रहे हैं. बाकी अगर बात करें सी यू टी के लिए स्पेशली, तो सी यू टी का जो बैच है 20th ऑफ फेब से स्टार्ट हो चुका है, 20 फरवरी से, यानी कि 2 दिन पहले ये स्टार्ट हो चुका है. तो आप यहाँ पे इनरोल हो जाइए और क्लास का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि सी यू टी का अपकमिंग एग्ज़ाम है. सी यू टी पी जी की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो एग्ज़ाम आपका पास आने वाला है. तो पार्ट ए की प्रिपरेशन अपनी जोरों शोरों से करिए, क्योंकि वहाँ पे 25 क्वेश्चंस आपके रहते हैं. यू हैव 25 क्वेश्चंस इन पी जी. और यू जी की अगर बात करें, वहाँ पे 60 to 70 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं. तो जिसके अंदर आपको जो प्लान है, पूरा जो डिटेल प्लान है, उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम. तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या लेक्चर्स हमने वहाँ पे रखा है, जिसके अंदर आपका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जिसको वर्बल एबिलिटी के नाम दिया गया है, और जनरल अवेयर. ठीक है, तो ये चार सेक्शंस आपके रहने वाले हैं पी यू टी के अगर मैं बात करूँ. चलिए, कल हमने बात करी थी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि जो पूरा हमारा वीक है इसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि किसी भी चैप्टर के हम रैंडम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि हमने खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है. और मोस्टली क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मेमोरी बेस्ड भी है, यहाँ पे जिसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से करने से ये फायदा रहता है कि एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेक्चर नंबर 3. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया. तो जरा इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से. हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ समय दूंगा. तो यू हैव 60 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन. तो अप्लाई योर ब्रेन, अप्लाई योर माइंड एंड टेल मी व्हाट शुड बी द राइट आंसर. एक बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन. बेसिक परसेंटेज का ये क्वेश्चन, तो जरा बताएं व्हाट शुड बी द आंसर. टेक योर टाइम. चलिए, समय हो चुका है आपका समाप्त. जरा मुझको बताएं व्हाट शुड बी द राइट आंसर. देखिए, अब जरा आपका जो ध्यान है वो स्क्रीन पे होना चाहिए. क्या कह रहा है? तो बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर आया है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 2 आया है आंसर यहाँ पे 3 लोगों का. नाउ कह रहा है हमसे, इन अ कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट वर अलॉटेड ग्रुप ए. ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि 40% जो स्टूडेंट हैं उनको ग्रुप ए दिया गया है,
75% ऑफ द रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी, ठीक है, तो 40% को ग्रुप ए और 75% ऑफ द रिमेनिंग को ग्रुप बी दिया गया है, एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट वर गिवन ग्रुप सी, बाकी के जो बच्चे हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रुप सी दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं मान लूं देर आर 100 पीपल, यहाँ पे 100 लोग हैं, तो सुनो 100 का 40%, 100 का 40%, यानी कि जो 40 लोग हैं वो ग्रुप ए के, दीज स्टूडेंट बिलोंग टू ग्रुप ए, एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग, सर अगर 100 में से 40 ए ग्रुप का है तो रिमेनिंग बचे हुए कितने, बचे हुए 60, इस 60 का 75% लोग, इस 60 का 75% जो लोग हैं वो ग्रुप बी में है, दैट आर इन ग्रुप बी। देखो 75% का मतलब क्या, 75% का मतलब 3/4, 75% का मतलब 3/4, दिस विल बी 45। बात समझ में आ गई? यानी कि 100 में से 40 ए ग्रुप के, 100 में से 45 बी ग्रुप के, बचे हुए कितने, बचे हुए 15, बचे हुए जो 15 हैं वो कह रहा हूँ कितने हैं 12, बचे हुए जो स्टूडेंट हैं दैट आर 12, तो 15 इज इक्विवेलेंट टू 12 एंड 1 इज इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 100, तो 100 का वैल्यू बताएं हमको, यहाँ पे 100 का वैल्यू बताएं, यानी कि 80, यानी कि 80 हो जाएगा। क्लियर हो गई भैया बात? बताएं जरा एक बार इसको देख ले और मुझको बताएं, इसे क्लियर, चलिए। तो अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तो इसका आंसर करें जरा, आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स। टेक योर टाइम। क्लियर हो गया है? ओके, वेरी गुड अश्मिता, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे आइए। रेशियो इन प्रोपोर्शन और परसेंटेज, इसका कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, और जरा देखें क्या कह रहा है। पूछ रहा था परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर नॉट अडल्ट, जो अडल्ट नहीं है उनका परसेंटेज बताएं। थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मुझको बताएं क्या करें। सॉरी, तो नहीं कह रहे थे, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। इफ 20% ऑफ द बॉय एंड 25% ऑफ द गर्ल आर एडल्ट,
ठीक है जी। तो बॉय और गर्ल का रेशियो हमें दिया गया है 3:2। कह रहा है 20% लड़के और 25% जो लड़कियां हैं वो अडल्ट की कैटेगरी में आती हैं। वो कह रहा है परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर नॉट अडल्ट। अगर बॉयज 25% अगर अडल्ट हैं तो बाकी के बचे हुए 75% नॉन अडल्ट होंगे कि नहीं। गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स अडल्ट कितनी है यहाँ पे, सॉरी बॉयज़ के लिए तो था 20%, तो 80% हो जाएगा। बाकी गर्ल्स हैं जो अडल्ट हैं दैट आर 25%, तो नॉन अडल्ट गर्ल्स आर 75%। ये समझ में आता है, ये तो क्लियर है ना। तो हमसे कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि नॉन अडल्ट हैं। देखो अडल्ट वाले को तो हटा दो, इसको हटाइए। अब एक काम करूँ, बॉयज़ को मैं 300 मान लेता हूँ और गर्ल्स को मैं 200 मान लेता हूँ, ठीक है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 80% ऑफ 300, 80% ऑफ 300 कितना हो जाएगा, 240, 240। क्या किया मैंने, 300 का 80%, ऐसे ही तो निकालते हैं, कितना आएगा 240। वैसे ही 75% ऑफ 200, 200 का 75%, 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। क्या होता है मतलब, 3/4। कैसे, बहुत आसान है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 25 3 या 25 4 जाओ, तो 75% को मैं 3/4 भी लिख सकता हूँ, यानी कि 150। 150 ये 240 ये, तो टोटल कुल मिला के जो नॉन अडल्ट हैं वो कितने हो जाएंगे, नॉन अडल्ट कुल मिला के हो जाएंगे 240 प्लस 150 यानी कि 390। ये हो गए हमारे नॉन अडल्ट। अब क्या करना है, कह रहे परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट हु आर नॉन नॉट अडल्ट। देखो 390 ये हो गया, आउट ऑफ 500, 500 में से 390 हमारे नॉन अडल्ट हो गए। तो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ नॉन अडल्ट। 390/5 यानी कि 78%, यानी कि 78% विल बी द राइट आंसर। बताइए बात समझ में आ गई, इसको एक बार देखें जरा और फिर मुझको बता। ठीक है जी, क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना साहिल, ओके गुड। अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो अगले सवाल का मुझे आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 सो दैट द सम इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 23। यानी कि जो सम है पूरी तरह से 23 से डिवाइड हो जाए, यानी कि इस नंबर में और मैं कितना प्लस करूं जिससे वो नंबर 23 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। कम से कम हम कितना ऐड करें, वी हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर। बहुत आसान है, क्या करो, अरे काम करो, 1056 में से 23 को पहले इसको डिवाइड करिए, इसको पहले 23 से डिवाइड करिए, तो दिस विल बी 5 times। यानी कि 21, यानी कि सर
21, ये बात समझ में आई। तो कह रहे हैं व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। देखो अगर यहाँ पे 21 है, इसमें मैं कितना और ऐड करूँ जिससे ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। काश ये 21 की जगह 23 होता तो एक बार और डिविजिबल हो जाता, यानी कि अगर 6 की जगह 8 होता ना, 8, तो 23 फाइव जा 115 है, तो 23 सिक्स जा 6 टाइम्स में कर देता तो 136 हो जाता। यानी कि क्या, यानी कि यहाँ पे 6 की जगह क्या होना चाहिए, 6 की जगह यहाँ पे 8 होना चाहिए था, यानी कि दो और ज़्यादा होता तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता। एज सिंपल एज दैट, क्लियर। 23 से डिवाइड इसको किया, हमने पाया कि यहाँ पे 21 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। 21 की जगह यानी कि यहाँ पे दो और एक्स्ट्रा होता तो 23 इसको पूरी पूरी तरह से काट देता, तो इसमें दो और होना चाहिए। 23 से कितना छोटा है, दो छोटा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। टेक योर टाइम, थोड़ा सा सोचे इसके बारे में और बताएं व्हाट शुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे डिस्काउंट की बात हो रही है, डिस्काउंट की चर्चा हो रही है, वो भी बैक टू बैक डिस्काउंट, जिसको हम नाम देते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या नाम देते हैं उसको, सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, देखिए ब्लैंकेट इज सोल्ड फॉर ₹680, एक ब्लैंकेट को 680 रुपए में सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया एट द डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20%। ठीक है जी, अगर इतने में बेचा गया है सो दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज द सेलिंग प्राइस, तो वी हैव टू फाइंड द प्रिंटेड प्राइस, जिसको मैं मार्क प्राइस भी बोलता हूँ, जो मार्क किया जाता है किसी भी हमारे गुड्स जो प्रोडक्ट होता है जिसमें मार्क किया जाता है वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एमपी, या मैं इसको लिस्टेड प्राइस भी बोलता हूँ, या यहाँ पे प्रिंटेड प्राइस भी बोला गया, तो प्रिंटेड प्राइस, सारे के सारे नाम उसी के ही। तो यहाँ पे दो डिस्काउंट दिए गए हैं, एक 15% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट, तो वी हैव टू फाइंड द प्रिंटेड प्राइस। तो लेट्स से द प्रिंटेड प्राइस एक्स, अगर प्रिंटेड प्राइस हमारा एक्स है, जैसे कि मेरे पास ये पेन, इस पेन को मुझे बेचना है तो इसका कुछ कॉस्ट मैंने मान लिया, लेट्स से इसका कुछ कॉस्ट है एक्स। अब कोई कहता है इस पेन को मुझे दे दीजिए लेकिन मुझे 15% यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए, मैं कहता हूँ ठीक है इसका जितना भी वैल्यू होगा उसका 15% मैं आपको ऑफ कर दूंगा, तो आप वो क्या कहता है, ठीक है 15% आप माफ़ कर दो, बाकी का बचा हुआ 85% जो वैल्यू बची उसमें मैं इसको खरीद लूंगा, क्योंकि 15% तो ऑफ हो गया, तो 85% वैल्यू तो उसको पे करनी पड़ेगी, बाकी 15% तो ऑफ हो गया। कहता है रुको रुको रुको, आपने 15% तो ऑफ कर दिया, अब जो वैल्यू बची मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, ऑनलाइन पेमेंट में मुझे कुछ आपको कुछ फायदा होगा, इसलिए मैं क्या करूंगा जो भी आपका अमाउंट बना उस पर 20% का और मुझे डिस्काउंट दे दो। मैं कहता हूँ चलो ठीक है ले लो 20% का और डिस्काउंट ले लो, यानी कि जो भी वैल्यू बनी उस पे 20% और ऑफ कर दूंगा, बाकी के रिमेनिंग 80% जो वैल्यू है अब वो मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, तो ये जो वैल्यू बना इसके 80% वैल्यू वो मुझे पे कर देगा, तो दैट विल बी इक्वल टू अ सेलिंग प्राइस। इस प्राइस पे उसने मुझको मैंने उसको
जो गुड्स है आइटम है वो सोल्ड किया, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस तरह से सक्सेस और डिस्काउंट के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो क्या करें, कितना आ गया है 1000। द वैल्यू ऑफ प्रिंटेड प्राइस इज 1000। इस तरह से समझ में आ गया, देखें इसको एक बार फिर मुझे बताएं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एच सी एफ ऑफ द गिवन नंबर। हमें इसका एच सी एफ निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एच सी एफ। करिए जरा, इतने आसान सवाल यहाँ पे हमसे पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। वी हैव टू फाइंड द एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताइए भाई क्या आंसर हो जाएगा इसका, टेल मी फास्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी आपको नंबर्स गिवन है उसमें से मैक्सिमम क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन टेक एज कॉमन। देखो 9, 97, 63 एंड 189, क्या इसमें से मैं अगर ऑप्शन से भी देखूँ ना, क्या मैं सबसे 9 कॉमन ले सकता हूँ भाई। हाँ इसमें से आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, खत्म बात। तो सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है जो मैं कॉमन ले सकता हूँ इन नंबर्स में से, दैट इज कॉल्ड एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन, जैसा कि इसका नाम है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, आगे नेक्स्ट। ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का ये सवाल, जरा मुझे इसका आप लोग आंसर करें और बताएं। क्या लॉजिक लग रहा है, थोड़ा सा लॉजिक समझिए इसमें। सीरीज है 8, 16, 32, 64, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। अगर थोड़ी सी नंबर के बारे में आपको जानकारी होगी तो आपको ये नंबर्स बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। कैसे सर, 8 है, 8 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 32 हो गया, 32 के बाद 64 हो गया, देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर।
सर ये डबल हो रहा है, ये नंबर्स हमारे डबल हो रहे हैं, यानी कि 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? 8 से 16 यानी कि इंटू टू करिए, 16 से 32 सर इंटू टू करिए, 32 से 64 यानी कि इंटू टू करिए, नेक्स्ट इंटू टू करिए, खत्म बात, यानी कि 128 यानी कि 128, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ गई सबों को? ठीक है, तो इस तरह का सीरीज है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सीरीज इज मल्टीप्लाइंग बाय टू। एक और मैं सीरीज आपको देता हूँ, जरा बताइए। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे अगला नंबर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सोचें। ऐसा ही सीरीज है, इसी तरह का ही ये सीरीज है। क्या हो रहा है सर? 3 इंटू क्या करूं, 3 करूं तो 9, 9 इंटू क्या करूं, 3 करूं, 27 इंटू क्या करूं, 3 करूं, देन इट मस्ट बी इंटू 3 यानी कि 243। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। ठीक है, तो ये था सीरीज। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एक और सवाल है हमारे पास। तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट अभी लेट ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं कि जितने भी हमारे सी एस आई नेट की बात करें, गेट की बात करें या सी यू टी की बात करें, सारे के सारे कोर्सेज पे फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, केवल और केवल 1 मार्च तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और साथ ही साथ सी यू टी की बात करूँ तो सी यू टी में हमारा बैच 20 फरवरी से यानी कि 2 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है। आप पार्ट ए के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो यानी कि जनरल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस बैच में आप जुड़ जाइए। अगला सवाल बताइए, इस सवाल के बारे में बताइए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या लॉजिक लग रहा है? अगर लॉजिक समझ में आता है तो यहाँ पे क्या नंबर हो जाता है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर? सोचिए। सबसे पहले दिमाग में आता है क्या यहाँ पे कुछ प्लस माइनस हो रहा है? देखो 13 और 40 के बीच में गैप कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 27। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 82। नेक्स्ट बताइए 247। यहाँ पे तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बन रहा है। 27 तो हम 3 का क्यूब बोल सकते हैं, लेकिन 82 का मतलब क्या, किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं बन रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है? 13 का टेबल पढ़िए, 3 टाइम्स करा तो 39 तक पहुंच गए, प्लस 1 और करना पड़ेगा तो 40 बन जाएगा, इंटू 3 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे इंटू 3 किया तो 120 आ गया, प्लस 2 और कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे इंटू 3 किया तो क्या आएगा, देखो 366 आ रहा है, 366 आ रहा है, तो प्लस कितना करूँ, प्लस 3 करूँ, मज़ा आ गया। तो इंटू 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 यानी कि
नेक्स्ट नंबर शुड बी इंटू थ्री प्लस फोर, पैटर्न समझ में आ गया, इंटू थ्री प्लस वन, इंटू थ्री प्लस टू, इंटू थ्री प्लस थ्री, नेक्स्ट नंबर शुड बी इंटू थ्री प्लस फोर, तो बताओ कितना आएगा। एन प्लस फोर यानी कि वन 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 वन, ऑप्शन नंबर बी, समझ में आ गया। यानी कि सबसे पहले हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद कुछ उसमें प्लस कर रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ प्लस कर रहे हैं, तो इस तरह का ये सीरीज। चलिए एक सीरीज में और देता हूँ, एक सीरीज का क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, उसको करिए। चलिए करिए इसको। बताइए जी क्या आंसर होगा इसका, अगर कुछ लॉजिक समझ में आता है तो मुझे आंसर बताएं। 3, 7, 16, 32, व्हाट विल बी द नंबर हियर, देन इट इज 90। सबसे पहले हमारे दिमाग में चलता है कुछ प्लस माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये जो सीरीज है धीरे 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 बढ़ रहा है। सबसे पहले उसका स्लोप देखा करो, स्लोप का मतलब है कि कितनी तेजी से वो बढ़ रहा है। अगर देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई तेजी नहीं है इसमें। कभी कभी ऐसा नंबर होता है दो, एक एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सीधे फिर 27, 27 के बाद फिर 500, इस तरह से। तो आप देखोगे इसमें इंक्रीमेंट कितना ज़्यादा आ रहा है, 1, 3, 5, 27, 500, तो इस तरह का अगर सीरीज होता है यानी कि वहाँ पे समथिंग स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस माइनस ही है। तो चेक कर लेते हैं, डिफरेंस इज 4, 6, 7, 8, 9, 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है। इसको देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्यों, स्क्वायर मन, दीज आर स्क्वायर्स ऑफ सम नंबर्स, 9 को बोलूंगा तो 3 का स्क्वायर, 4 को बोलूंगा तो 2 का स्क्वायर, 16 को बोलूंगा तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो कुछ बोलना ही नहीं है, यहाँ पे तो सीधे लिख देना है क्या, 5 का स्क्वायर। 25 और 32 को ऐड करो, यानी कि 57। आगे वाला चेक करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो हमें जो सीरीज है तीन नंबर से कन्फर्म हो जाती है, तीन नंबर को चेक करके हमारा सीरीज कन्फर्म हो जाता है। अगर यहाँ पे करोगे तो दिस विल बी 6 स्क्वायर यानी कि 36, 36 प्लस 57 दिस इज 93, ठीक है, तो कन्फर्म भी होगा। तो ये सीरीज के टाइप हैं कुछ, आपके स्क्वायरिंग सीरीज और आपका इसको हम क्या बोलते हैं पता है, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिको अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिको अर्थमेटिक। ज्योमेट्रिको किसे बोलते हैं, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिको। अर्थमेटिक का मतलब होता है या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई के साथ साथ कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो इस सीरीज, इस टाइप की सीरीज को बोला जाता है ज्योमेट्रिको अर्थमेटिक। अगर इसका उल्टा हो यानी कि पहले कुछ प्लस या माइनस हो रहा हो उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो, तब उसको बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड, उसके बाद प्लस या माइनस। इसमें क्या होगा, पहले प्लस या माइनस होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड, उन दोनों में से एक होगा। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताएं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, इस सीरीज का अगला नंबर क्या हो जाएगा। कभी कभी इस तरह की सीरीज आ जाती है, हम सोचते रह जाते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, लेकिन वो पैटर्न और जो लॉजिक है वो कुछ और ही बन रहा होता है। देखो 2, 3, 5, 7, 11, तो यूजुअली हम सोचेंगे कि सर इसके बीच में गैप है जो कुछ ऐसा है, 1, 2, 2, 4,
ये कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। एक के बाद दो, यहाँ पे तीन होता, चार होता तो यहाँ पे पांच होता, लेकिन एक दो दो चार, व्हाट इज दिस पैटर्न? क्या पैटर्न बन रहा है भाई? हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। ध्यान से देखो क्या है, दीज आर प्राइम नंबर्स, ये क्या है? प्राइम नंबर्स है, तो ये प्राइम नंबर का सीरीज है, ठीक है? तो प्राइम नंबर का जो सीरीज है दैट इज 2, 3, 5, 7, 11, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर। तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है 11 के बाद? अगला होता है सर 13, ये हो जाएगा 13। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 हो जाएगा, राइट? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3, 5, 7, 11, 13। प्राइम नंबर क्या है? वो नंबर जो कि खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उनको प्राइम बोला जाता है। उनका 2 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है, या तो खुद से डिवाइड होगा सेल्फ या 1 से, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा 2। कभी कभी अल्टरनेट सीरीज भी आ जाती है, अल्टरनेट का मतलब 2 दे देगा, फिर 5, फिर 11 और फिर 17, तो बोलेगा व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। तो अल्टरनेट सीरीज है, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक, बीच में 3 को छोड़ दिया, बीच में 7 को छोड़ दिया, बीच में 11 को छोड़ दिया, सॉरी 13 को छोड़ दिया। अगला नंबर क्या होगा? 18, 19, 19 को छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 23, नेक्स्ट नंबर विल बी 23। तो इस चीज़ को आपको पहचानना पड़ेगा। ये बहुत ही कॉमन सीरीज है जो कि आती रहती है, अल्टरनेट सीरीज प्राइम नंबर की या कॉन्सिक्यूटिव। चलिए अगला सवाल, आंसर करें इसको जरा, बताएं। सीरीज क्या है? 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। क्या करें? बीच का गैप चेक करो, व्हाट इज द गैप? चार, छ, आठ, 10, 12, ये तो दो दो का गैप दिख रहा है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8, 10, 12, ये क्या होगा फिर? 14, नेक्स्ट हो जाएगा 16, इसमें तो कुछ था ही नहीं। दिस विल बी 72, दिस विल बी 72, ठीक है। अगला अगला सवाल, 2, 3, 8, 63 एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? 2, 3, 8 और 63 और नेक्स्ट नंबर इसमें। ऑप्शंस देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं, 4 डिजिट नंबर से, यहाँ पे 1 डिजिट नंबर से स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद 2 डिजिट नंबर, उसके बाद सीधा 4 डिजिट नंबर बन रहा है, यानी कि कुछ तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा पूछ, कुछ तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे है। यानी कि कुछ स्क्वायर हो रहा होगा, क्यूब हो रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। देखो क्या हो, 2 और 3, अगर आप बीच में गैप चेक करोगे तो गैप से तो नहीं आएगा कुछ, क्योंकि गैप चेक करोगे तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा, इतना बड़ा टर्म हमारा निकल के नहीं आएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या स्क्वायर हो रहा है। 2 से 3 में जाना, 3 से 8 में जाना, 3 से अगर मैं 8 में जाऊंगा तो कैसे जा सकता हूँ? देखो इंटू 2 कर लिया,
तो इंटू टू करके इंटू थ्री करके भी 63 से इतना बड़ा टर्म बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कुछ स्क्वायर भी हो सकता है। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, 3 का स्क्वायर किया तो 9, माइनस 1 किया तो 8 आ जाएगा। ठीक है जी, अगर ऐसा है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो 4, माइनस 1 किया तो 3 आ जाएगा। इसी सीक्वेंस में अगर यहाँ पे देखा जाए तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 1 यानी 63। एकदम सही, एकदम सही लॉजिक हमने पकड़ा। 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 63 का स्क्वायर माइनस 1। यानी कि जो भी नंबर है उसका अगर नेक्स्ट नंबर हमको बताना है तो उस नंबर का स्क्वायर कर दो और उसमें से माइनस 1 कर दो तो अगला नंबर मिल जाएगा। 63 का स्क्वायर करिए कितना होगा, थ्री नाइन सिक्स नाइन, माइनस 1 करेंगे तो 3968, 3968 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ में आ गई बात, फिजिक्स में क्लियर। तो नंबर 3 से एक सवाल जरूर आने वाला है तो इसको कर लें। आगे अगला सवाल करिए इसको, डिक्रीज हो रही है सीरीज, 512 देन 49, 216 देन 25। नंबर को देखोगे नंबर्स बहुत अच्छे लगेंगे, जैसे 25 है, 49 है, 216 है, ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर या क्यूब बन रहे हैं, या तो स्क्वायर या क्यूब। 25 को देखो, 49 को देखो, समझ में आ जाएगा। बताइए ट्वेंटी फाइव इज फाइव स्क्वायर, 49 इज सेवन स्क्वायर, लेकिन 216 ये क्या है, किसका स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन ये क्यूब होता है, किसका, सिक्स का, दिस इज सिक्स क्यूब। फाइव सिक्स सेवन देन एट मस्ट बी एट, वे आठ का क्यूब होता है। यानी कि अल्टरनेट स्क्वायर और क्यूब का सीरीज चल रहा है, फाइव का स्क्वायर सिक्स का क्यूब, सेवन का स्क्वायर एट का क्यूब, दिस मस्ट बी फोर क्यूब, ये होना चाहिए हमारा फोर क्यूब। फोर क्यूब मतलब 64। लॉजिक समझ में आ गया, अल्टरनेट स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज। ठीक है, इसको देखिए एक बार, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले सवाल पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम परसेंटेज, ये परसेंटेज का सवाल है।
साथ में मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। चलिए करिए इसको। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा गया है कि अगर मैं साइड में कुछ इंक्रीमेंट कर दूं या साइड में कुछ डिक्रीमेंट कर दूं तो बताएं उसके एरिया में या उसके वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब सुने जरा, आंसर आ रहा है 72, सी 72। प्रीवियस क्वेश्चन का आ रहा है क्या आपका आंसर, पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे तो पिछले क्वेश्चन का तो आंसर हमारा 64 है, उससे पहले ये। ठीक है, आप अपना जो वीडियो उसको लाइव कर दीजिए एक बार तो आपको लाइव यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट, अब देखिए कह रहा है इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 50%, यानी कि किसी साइड को अगर मैं क्यूब की 50% से बढ़ा दूं, फाइंड व्हाट परसेंट द टोटल सरफेस एरिया, कह रहा है व्हाट परसेंट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज, जो क्यूब का सरफेस एरिया है कितने परसेंट से बढ़ेगा। देखो अगर क्यूब की मैं बात करूँ तो आपको पता है क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं। तो अगर साइड को अगर मैं 10-10 मान लेता हूँ, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी क्या है 10 है, तो व्हाट विल बी द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा इसका, सरफेस एरिया विल बी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² राइट, 6a² यानी कि दिस विल बी 600 स्क्वायर यूनिट्स। मैंने 10-10 इसकी साइड मान ली, लेकिन अगर इसकी साइड को मैंने 50% से इंक्रीमेंट कर दिया, अगर मैंने इसकी साइड को 50% से बढ़ा दिया तो इसकी जो नई साइड हो जाएगी दैट विल बी 15, क्योंकि 10 का 50% कितना होता है सर, 5 होता है, तो 5 को अगर 10 में जोड़ता हूँ तो 15, अब इसकी जो नई साइड हो गई वो 15 हो गई। अगर 15 साइड लेके अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालूँ, दिस विल बी 6a², यानी कि 6 × 15² यानी कि दिस विल बी 1350, दिस विल बी 1350 स्क्वायर यूनिट्स। सो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो देखो पहले था 600, अब हो गया 1350, कितने का इंक्रीमेंट आया है। जब भी ऐसा निकालना है तो इंक्रीमेंट देखो 600 से कितना बढ़ गया ऊपर, 600 से बढ़ गया है सर ऊपर 750, 600 से 750 ऊपर यानी कि 1350। वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। इंक्रीमेंट आया है 750 का, इनिशियली था 600 इंटू यहां पे आ जाएगा 100, सो दिस विल बी 250/2 यानी कि 125%, दिस विल बी 125%। बात समझ में आई, क्यूब में सबसे पहले साइड को 10 मान के 50% इंक्रीमेंट के बाद उसका नया साइड हो जाएगा 15, तो पहला जो सरफेस एरिया है वो था 600, फिर नया सरफेस एरिया हो जाएगा 1350, तो यहाँ पे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गई बात एकदम। नाउ
अगले सवाल पे आइए, जरा इसको देखिए एक बार, उसके बाद मुझे बताइए कि समझ में आया क्रिस्टल क्लियर। आगे चले नेक्स्ट। को देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है, आ बैंकेट हॉल हैज द डायमेंशन 30 मीटर, 12 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, तो एक क्यूबॉइडल शेप का एक बैंकेट हॉल है। ईच पर्सन शुड गेट 8 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस। हर एक पर्सन को इतना स्पेस चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन बी एकोमोडेटेड इन दिस हॉल। कितने पर्सन उस हॉल के अंदर एकोमोडेट हो सकते हैं। देखो टोटल जो वॉल्यूम है बैंकेट हॉल का वो हम निकाल सकते हैं, और हर एक पर्सन को जितना वॉल्यूम चाहिए वो हमको दिया गया है। हमको निकालना है कितने पर्सन उसके अंदर आ सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ पर्सन। हमको क्या करना है, हमको टोटल वॉल्यूम जो होगा, हमको टोटल जो वॉल्यूम है उसमें से एक पर्सन द्वारा लिया गया वॉल्यूम उससे डिवाइड कर देना है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, अभी देख लेते हैं जी। देखो यानी कि 15 × 3 × 5, यानी कि दिस इज 15, 15 × 15 = 25, 225। ठीक है, राइट, 225। तो टोटल वॉल्यूम जितना ऑक्यूपाई कर रहा है एक पर्सन उससे हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सिंपल। तो ऐसा कुछ सवाल आपको देखने को मिलने वाला है। अगले पे आइए। मेंसुरेशन का क्वेश्चन, और उसमें भी मेल्टिंग एंड रीकास्टिंग का एक क्वेश्चन, यानी कि किसी चीज़ को मेल्ट किया गया है उसके बाद रीकास्ट किया गया, यानी कि दूसरे शेप में चेंज किया गया, ऐसा ही सवाल। इसको जरा सोचें, जरा क्या बोला गया है, फिर करते हैं इसको एक्सप्लेन। टेक योर टाइम। क्या किया है क्वेश्चन में, अ स्फेरिकल मेटल बॉल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल।
यानी कि एक मेटल बॉल है मेरे पास इस तरह की, जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया है, पिघलाया है पहले, उसके बाद दोबारा से रिकास्ट किया है इंटू 3 स्फेरिकल बॉल, तो इससे मिला के छोटी छोटी 3 बॉल बना दी है। ठीक है, इस तरह से 3 छोटी छोटी बॉल बना दिया गया इसको मेल्ट करके। रेडियाई ऑफ टू ऑफ दीज बॉल इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इनमें से 2 बॉल का रेडियस हमको गिवन है 3 और 4। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड बॉल, तीसरी बॉल का रेडियस हमको बताना है। व्हाट विल बी इट्स रेडियस, कैसे करें भाई, कैसे निकालें? अगर मैं इसको मेल्ट करता हूँ और 3 छोटे छोटे स्फीयर्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो एक चीज़ यहाँ पे सेम रहती है, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल हो जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। एक जग पानी को मैं 10 गिलास में भर दूँ तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम तो सेम ऑक्यूपाई कर रहा है, भले ही मैंने 3 10 अलग अलग जगह उसको रख दिया है, तो वैसे ही यहाँ भी होगा। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर अगर मैं पूछूँ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है आपको, वॉल्यूम इज 4/3 πr³। वॉल्यूम इज 4/3 πr³। कैलकुलेशन बहुत कम हो गया, जरा अगर सही से करोगे तो। यहाँ पे रेडियस है 6, यानी 6 का क्यूब। बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 π 6³। 3 छोटे स्फीयर्स का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 π 3³ एंड 4/3 π 4³ एंड 4/3 π r³। दिख रहा है, बात समझ में आ गई? यहां से आप कैलकुलेट करिए वैल्यू ऑफ r। तो 4/3 π इन तीनों जगह से कॉमन लेना है और इस 4/3 π से कैंसिल आउट कर देना है, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास केवल ये टर्म बचा, 3³ + 4³ + r³। नाउ 6³ कितना हो जाएगा, दिस विल बी 216। 3³ = 27, 4³ = 64। You have to find the value of r cube. This will be 91, right? So r cube is equal to 216 - 91. यानी कि 125, 125. तो आपको पता है cube root of 125. 125 का क्यूब रूट होता है मेरा 5, 125 का क्यूब रूट होता है मेरा 5, तो आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पे करिए इसको जरा, और मुझको बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड, इतना समय भी नहीं लगेगा। रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ टू क्यूब्स आर दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ दीज टू क्यूब्स। हमको सरफेस एरिया निकालना है इन दोनों क्यूब्स का, बताइए।
उस समय हो गया समाप्त। अब देखिए कैसे इसको करें। रेशियो दिया गया है और रेशियो में ही चीजें पूछी गई, रेशियो में ही दिया गया है और रेशियो में ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो द रेशियो ऑफ डायगोनल्स ऑफ टू क्यूब इज 3:2, यानी कि जो रेशियो है डायगोनल का वो 3:2 दे रखा है। दो क्यूब है रेशियो ऑफ द डायगोनल्स ऑफ टू क्यूब्स इज 3:2। अगर इसको डायगोनल लेते हैं, अगर इसको डायगोनल कहते हो तो वो दे रखा है हमको 3:2। फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ दीज टू क्यूब, ठीक है। अगर इसको अगर डायगोनल कहते हो तो दिस इज, लेट्स से इट इज 3, अगर ये 3 है और एक दूसरा है क्यूब उसका जो डायगोनल है वो 2। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी साइड निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द साइड। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कह रहा है 9:4। ओके देख लेते हैं। अगर ये मान लेता हूँ मैं 3 है तो हमको निकालना है इसकी साइड, दिस साइड। तो ये कितना हो जाएगा बताएं जरा। अगर ये हमारा साइड ए है, ये जो डायगोनल है हमारा बेस का जो डायगोनल है दैट विल बी अंडर रूट 2a, होगा कि नहीं? इस चीज में किसी को परेशानी? दिस विल बी अंडर रूट 2a। तो यहां से साइड हो जाएगा हमारा, साइड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3² यानी कि 9 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2a, ठीक है, अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू 9 प्लस 2a² ये हो गया। दिस इज द साइड, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ दिस विल बी ए स्क्वायर एंड दिस विल बी 9 प्लस 2a² यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि साइड जो आ जाएगा दैट विल बी 2a² यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो जरा ध्यान से देखो कुछ गड़बड़। अच्छा हाँ, यहाँ पे साइड था ना, माइनस का साइन आएगा ना, दिस मस्ट बी माइनस क्योंकि हाइपोटेन्यूज था ही, उसमें से माइनस किया गया। तो दिस विल बी 3a² एंड दिस विल बी 9, दिस विल बी 3 एंड a का वैल्यू आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 3, a का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। आगे देखें, आगे देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो उसकी साइड को अगर मैं इसको a1 मान लूं और इसकी साइड को a2 मान लेते हैं, राइट, इसकी साइड को मैं a2 मान लेता हूं। अगर a2 लेके करोगे तो यहां पे आपका साइड आ जाएगा दैट विल बी 2² यानी कि 4 माइनस दिस विल बी अंडर रूट 2 ऑफ a2 का होल स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं? यहाँ पे सिंपली मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस विल बी 4 माइनस 2a² दोनों साइड स्क्वायर किया गया तो ये हो जाएगा, दिस विल बी 2a² एंड दिस विल बी 3a² दिस विल बी a² इज इक्वल टू 4/3 का होल अंडर रूट। ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा, देखो ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा, यानी कि हमने एक तरह से साइड निकाल लिया क्योंकि हमको निकालना है सरफेस एरिया, वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 2। सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a², तो 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो पहला वाला जो साइड है दैट इज √3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन दिस इज अंडर रूट 4/3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट तो चला जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3, नीचे बढ़ेगा 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 9/4, यानी कि भाई 9/4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जिसने भी आंसर इसका करेक्ट किया है, वेरी वेरी गुड, बात समझ में आ गया। तो ये एक क्यूब था जिसका हमें सरफेस एरिया बताना था और हमको गिवन है कि उसका डायगोनल है 3:2। सबसे पहले हमने डायगोनल से उसका साइड निकाला, साइड निकालने के बाद इसका सरफेस एरिया का रेशियो निकाला।
क्वेश्चन कैसा था जरा मुझको बताइए। अच्छा है लेकिन कैलकुलेटिव है। हाँ जी कैलकुलेटिव तो है, आपको करना ऐसे पड़ेगा कि उसका डायगोनल अगर आपको दिया गया है रेशियो की टर्म्स में, तो सबसे पहले साइड तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो साइड निकालने के लिए इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? तो इतना तो आप मान के चलो इतना कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आज इतने ही क्वेश्चन हमारे पास, कोई बात नहीं, बाकी के जो क्वेश्चंस हम कल करने वाले हैं, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल। तो जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए इसको एक बार रिवाइज कर लेना, खासकर जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी इस वीक पूरा हमारा सेशन ऐसे ही चलता रहेगा मिसलेनियस क्वेश्चन के ऊपर, तो ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन साहिल, रेवती एंड ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। तो कल मिलते हैं 1 बजे, टिल देन थैंक यू। और जो CUT PG के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या CSIR NET या GATE के लिए, उनके लिए ये कोर्स है, मैं सबको फिर से बता दूं, ये कोर्स आप एक बार देख सकते हैं। और बहुत ही बड़ी न्यूज़ तो ये है कि 50% का ऑफ चल रहा है, जो कि 1 मार्च तक ही ये चीज़ वैलिड रहेगा। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।